नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2020, जिसके लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में आई FSI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। तो FSI की रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। दोस्तों जो FSI की रिपोर्ट है वो प्रत्येक दो साल में आती है, जो 2017 में आई थी पिछली बार, अब ये 2019 में आई है। दोस्तों इसमें पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। अगर पूछ ले कि परसेंटेज में किस कौन सा राज्य है, तो परसेंटेज में सबसे पहले है मिज़ोरम है, जिसमें कितना प्रतिशत है, 85.41% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। दोस्तों जो भारत में है सर्वाधिक वो है मध्य प्रदेश में। और पूछ लेकर कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत है, तो पूरे भारत में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो है 24.56% पूरे भारत में इतना वन है। और पिछले दो सालों में कितना वृद्धि हुई है, इस साल दो सालों के बाद कितनी वृद्धि हुई, तो ये 5188 वर्ग प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा पूछे वृद्धि किस राज्य में हुई है, पिछले दो साल के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई है, उसके बाद केरल, फिर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो किया गया है बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में जो थल सेना प्रमुख बने हैं वो बने हैं मनोज मुकुंद रणवरे ने, ये बने हैं जो थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष हैं, हाल ही में ये बने हैं। और इसके पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, जो कि 31 दिसंबर को यानी कि लास्ट डे रिटायर्ड हो गए हैं। अब मनोज कुमार नरवने जो हैं थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों ये तो थल सेना के हैं लेकिन जो हैं वो वायुसेना के कौन हैं, तो हैं ये तो थल सेना के हैं लेकिन वायुसेना के कौन हैं, तो वायुसेना के हैं RKS भदौरिया। और जलसेना के कौन हैं, तो हैं एडवर्ड जनरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चरर कब आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में जो आयोजित किया जाएगा ये मार्च 2020 में आयोजित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अरुण जेटली की जो श्रद्धांजलि देने के मौके पर अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। और कौन करेगा, तो अभी प्रेजेंट की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर के आयोजन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विखो ओ योसो का निधन हुआ है, वह किस राज्य के थे। तो नागालैंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों नागालैंड में हुआ, तो नागालैंड की जो कैपिटल हो क्या है, तो कोहिमा है। और यहाँ के CM कौन हैं, न्यूफ्यूरो हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो यहाँ पे RN रवि जो यहाँ के नागालैंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के प्रमुख अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो दिया गया है SS देसवाल को। क्यों दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ के सीआरपीएफ के अध्यक्ष थे वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं। तो जो SS देसवाल हैं, ये ITBP के अध्यक्ष हैं, जिनको अतिरिक्त कार्यभार सीआरपीएफ का सौंपा गया है। दोस्तों सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका जो
ये कब बना था? तो ये 1939 में, 1939 में ये बनाया गया था सीआरपीएफ का। दोस्तों सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अभी तक सीआरपीएफ के प्रमुख कौन थे? तो ये थे राजीव राय भटनागर, जो भी 31 दिसंबर को ये भी रिटायर्ड हुए हैं। दोस्तों सीआरपीएफ का मोटो क्या है? तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एसडीजी सूचकांक में 2019-20 में भारत का स्कोर कितना रहा है? तो ये जो अभी 60 हो गया है, पिछले साल ये 57 था, लेकिन इस साल अभी ये 60 हो गया, ऑप्शन ए 60 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एन तिरुमाला नायक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये उड़ीसा के नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर एन तिरुमाला नायक उड़ीसा के नए श्रम आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बात आई दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर सर है, और यहाँ के सीएम जो सीएम है वो कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ के, तो ये यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, या व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप यहाँ पे उसका व्हीलर द्वीप यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप था, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, जहाँ पर अभी अग्नि 5 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली कहाँ, सॉरी शुरुआत किसने की है? हाल ही में इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत किसने की है? तो सर्वानंद सोनेवाल ने की है, और ये कौन है? तो यहाँ के ये हाल ही में जो हुआ है ये असम के सीएम ने किया है, असम के सीएम सर्वानंद सोनेवाल ने इस इंडिया यूथ गेम मशाल रैली की शुरुआत की है। दोस्तों बात आई असम की, तो असम में कहाँ पर होगा? तो असम के गुवाहाटी में 20 जनवरी को आयोजित किया जाएगा ये यहाँ पे गेम। दोस्तों बात आई असम की, तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है, और यहाँ के सीएम सर्वानंद सोनोवाल ही हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुर्मी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशालय नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं एच के जोशी। दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है, धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ जो हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में ये 11 दिन तक श्री कृष्ण और उनके मामा कंस का पौराणिक कथाओं का आयोजन किया गया है, जो कि अब विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अजीत पवार ने ली है, एनसीपी विधायकों के दल के नेता अजीत पवार ने अभी हाल ही में आदित्य ठाकरे सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? तो मुंबई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन से हैं? तो यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपना खुद का इंटरनेट बनाया है? तो जो हाल ही में रूस ने अपना खुद का इंटरनेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, जो भी जवाब हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।